वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स मी मलाइका। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं काफी टाइम से यूट्यूब पर देख रही हूँ कि पल्स वाले हेयर स्टाइल जो है ना वो बहुत ज्यादा चाहे लाइक दिस एंड दिस। तो बस अब कुछ ट्रेंड पर और मैं ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं भी ले आई हूँ आप लोगों के लिए हेयर स्टाइल। तो चलो करते हैं। अब मैंने ये हेयर कल का ट्यूटोरियल जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, चेकआउट कर लेना। वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जो है ना बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को और प्यारा सा कमेंट भी कर देना बिल्कुल अपने जैसा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब इतने क्यूट क्यूट से हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं तो ड्रेस भी क्यूट होना चाहिए ना। तो चलो फिर ट्रांजिशन करते हैं। अब आए हैं ना ड्रेस में थोड़े कलर। अब जो पल्स में लगाने वाली हूँ ना उनको बनाना कैसे है ना मैं वो आपको सिखाने वाली हूँ। मेरे पास कलरफुल पल्स है और साथ ही रबर बैंड है, ठीक है। तो चलो आपको सिखाती हूँ। रबर बैंड को पर्ल में डाल लेना, कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद जो है वो थंब और फिंगर की मदद से पकड़ना है, देन फर्स्ट वाले रबर को छोड़ देना है, सेकंड वाले को पकड़ लेना है। मैं अब आपको एक व्हाइट वाले पर्ल के साथ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस पोजीशन के बाद जो है वो थंब और फिंगर की मदद से पर्ल को पकड़ना है, फर्स्ट वाले रबर को छोड़ देना है, सेकंड वाले को पकड़ लेना है। तो देखा कितना ज्यादा आसान था इसको करना यार। अब आता है हमारा पहला हेयर स्टाइल, उसमें मैं कलरफुल ही बीट्स लगाने वाली हूँ, पल्स सॉरी, और इसको जो है ना मैं अपने प्रॉपर हेयर में जो है ना वो लगाऊंगी। कलर ऐसे डिफरेंट ही रखूंगी, कहीं येलो कहीं ऑरेंज कहीं पिंक ऐसे कहीं कहीं पर लगाऊंगी। और देखो कितने ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं ना। अब इन सारे पल्स को ना मैं प्रॉपर हेयर पर लगाने वाली हूँ, कहीं 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 कहीं। तो बस मैंने पल्स उठाए और शुरू हो गई कहीं कहीं पर लगाना। और ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस के साथ मैंने इधर उधर लगाए थे और ज्यादा अवर भी नहीं किया था कि पूरा जो है वो हेड को भर दूं। और बहुत ही ज्यादा पीटी लग रहा था। अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना तो वही कर सकती हैं, सॉफ्ट सा हेयर स्टाइल है। अब मसला ये है ना कि खुद पर हेयर स्टाइल करना बड़ा ही मुश्किल होता है और कुछ भी हेयर स्टाइल समझ नहीं आता खुद पर क्या करें। तो ये वाले हेयर स्टाइल ऐसे हैं जो हम लोग खुद पर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। अब सेकंड हेयर स्टाइल में मैं फ्रंट पर दो लेयर्स लगाने वाली हूँ व्हाइट स्टोन्स की, और इन्हें मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। आपने ना फ्रंट की इक्वल लेयर्स पकड़नी है दोनों साइड से और फिर पर्ल्स को लगाना शुरू कर देना है। और तीन तीन पर्ल लगा रही हूँ मैं एक एक लेयर पर, और दोनों साइड पर जो मैंने स्टोन्स लगाए ना सॉरी पर्ल्स, वो जो है ना मैं बिल्कुल इक्वल स्पेस के साथ लगाऊंगी ताकि बिल्कुल भी इधर उधर ना लगे। एंड सी गाइस कितने ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं ना ये इस तरह से। अगर आप लोग चाहो तो ब्रेड बनाकर आप उसके ऊपर भी लगा सकते हो इस तरह से पर्ल्स को, लेकिन अगर आप ये चाहते हो इस तरह से करना, ये इजी है और टाइम भी आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो आप इस तरह से भी जो है इसको सेट कर सकते हो। अब मैं इसी को जो है ना एक और हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को पकड़ूंगी और पीछे जो है वो एक रबर बैंड की मदद से जो है वो फिक्स कर दूंगी और इतना प्यारा क्राउन टाइप बन चुका है। अगर आप इस तरह एडजस्ट करना चाहते हो क्राउन टाइप तो इस पे आप स्टोन्स को जो है वो पर्ल्स को ज्यादा लगा सकते हो, वो और भी ज्यादा प्रीटी लगेंगे। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और सॉफ्ट से हेयर स्टाइल शेयर किया ताकि आप लोग इजिली कर पाओ, आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। वाकई बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हो। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरी ये सॉफ्ट सॉफ्ट से हेयर स्टाइल? आप ऐसे हेयर स्टाइल स्कूल या कॉलेज जाते हुए कर सकते हो और आजकल तो यूनिवर्सिटी गर्ल्स भी ऐसे हेयर स्टाइल्स कर रही हैं। सो यार इट्स ऑल अप टू यू। तो ऐसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद रखना। ओके बाय गाइस।